हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू नाश्ता। तो आइए, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एक नया नाश्ता जो कि सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनने वाला है, मैदा और आलू से, और बहुत ही फटाफट बन के ये तैयार होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कि नया नाश्ता किस तरह और कैसे बनाया जाता है। इसे आप एक बार बनाकर खा लोगे तो आपका बार बार बनाकर खाने को मन करेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम मैदा और 500 ग्राम आलू। हाँ फ्रेंड्स, ये हाफ के जी मैंने आलू ले लिए हैं जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मैदा भिगो लूँगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 स्पून अजवाइन की। तो देखिए, ये मैंने छोटी चम्मच एक अजवाइन की ली हुई है। इसे मैं हाथों में क्रश कर लूँगी और इसे अपने मैदे के अंदर डाल लूँगी जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मोइन। मोइन में मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। तो देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच छोटे मोइन डाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। 2 स्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोइन डाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। आपको मोइन काफ़ी अच्छे तरीके से मिला लेना है, तभी आपकी समोसे क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। इसमें इस तरह नमक भी मिल जाएगा अच्छे से और मोइन भी मिल जाएगा। अगर आपको अपना मोइन कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। पहले मैंने 2 स्पून डाला था, 1 स्पून और डाल लिया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मोइन इसमें कितना डालना था। तो देखिए, आप इस तरह आटे को लीजिएगा और देखिए, अगर इस तरह आपका आटा इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब समझिए कि आपका मोइन काफ़ी अच्छा डला हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। पानी हमने मीडियम लिया हुआ, आई मीन ठंडा पानी लिया हुआ है। अब हम इसमें एक डो लगा लेंगे। तो देखिए, आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालें, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका जो डो है वो लूज़ हो जाएगा। और आपको इसका मीडियम डो लगाना है, ना तो ज़्यादा लूज़ और ना ही ज़्यादा टाइट। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसी तरह डाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आटा गूंथ लिया है। मैंने अपने आटा नॉर्मल बनाया है, आप देख सकते हो। आपको इस प्रकार का अपना आटा रखना है। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा चिकना कर दूंगी ताकि इस पर ऊपर पपड़ी ना आए, और इसे रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 7 आलू लिए हुए हैं। अब मैं अपने आलूओं को क्रश कर लूंगी क्योंकि हमें अपने आलूओं का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल क्योंकि हमें आलू का पेस्ट तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आलूओं को क्रश कर लिया था। तो देखिए, अब मैं इसमें अपने आलू डाल लूँगी। तो देखिए, मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। मसालों में हमने ली हुई है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। तो देखिए, अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। आपको इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं, हमने अपने आलूओं में सारे मसाले मिक्सचर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने मसाले को धीरे धीरे इसी तरह पका लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए जो अपना आटा गूंथा था वो ले लिया है। अब मैं इसकी एक मोटी लोई बना लेती हूँ। ये मैंने लोई 2 रोटियों के बराबर ली हुई है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे रोटी की तरह बेल लूँगी। मैं इस प्रकार इसे बेल लेती हूँ। आप अपनी इस रोटी को जितनी बड़ी बना सको उतनी बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अपनी लोई 2 रोटियों के लिए रखी हैं। तो मैं इसे जितनी यह बेलेगी उतनी बेल लूँगी। आपको इसे काफ़ी पतला बेलना है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, इसकी मैंने काफ़ी बड़ी रोटी बेल ली है। अब जो मैंने अपना आलू का पेस्ट बनाया था वो मैं इसके ऊपर रख लूँगी और इसे अच्छे से फैला लूँगी। आप इसे या तो हाथ से फैला लीजिएगा या फिर चम्मच से भी फैला सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लिया है। अब मैं करूँगी इसे फोल्ड, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, आपको धीरे धीरे करके इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसका एक रोल बना लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे लास्ट के इसके परत पर हल्का सा पानी लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और उतरे नहीं। अब मैं इसे चिपका लेती हूँ और इसे थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं एक चाकू की सहायता से इसके जो कॉर्नर हैं उन्हें काट दूँगी। तो देखिए, मैंने इनके साइड के कॉर्नर काट दिए हैं और अब मैं इसे बीच बीच में से कट कर दूँगी। तो देखिए, आपको इस प्रकार इसे कट कर देना है और फिर इसे इस तरह प्रेस कर देना है। आपको सभी इसी प्रकार बनाने हैं। तो देखिए, मैंने 5 से 7 बना लिए हैं। अब इनके लिए लेंगे हम एक कटोरी और कटोरी में डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा, वन स्पून। तो देखिए, मैंने कटोरी में 1 चम्मच मैदा डाल लिया है। मैदे में डालेंगे हम थोड़ा पानी और इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि हमें इसका काफ़ी पतला घोल बनाना है। तो देखिए, हमारा घोल बनकर तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी नाश्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इस घोल में अपने नाश्तों को डिप करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह डिप करूँगी और अपनी कढ़ाई में छोड़ दूँगी। धीरे धीरे हमें सभी अपने नाश्तों को इसी तरह इसमें डिप करना है और अपनी कढ़ाई के अंदर छोड़ देना है, ताकि हमारा जो अंदर का आलू है वो के डाल लिया है। अब मैं अपने नाश्तों को इसी तरह बनने दूंगी धीरे धीरे। फ्रेंड्स, इसमें मैदे के घोल में डिप करने के बाद जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल नहीं निकलते हैं, देख सकते हैं आप। इससे हमारा नाश्ता काफ़ी अच्छा बनता है और ये बिल्कुल छोटे समोसों जैसे बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं। हमें अभी इन्हें थोड़ा और पकाना है। हमें इनका बिल्कुल समोसों जैसा कलर कर लेना है, ब्राउन कलर कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इन्हें एक एक करके निकाल लूँगी। तो देखिए, हमारे सभी नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी नाश्तों को तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे क्रिस्पी और छोटे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।